भैया देखो आज इतना खुशी का दिन है, हमारा अमित उन लोगों के हाथ से छुड़ के सही सलामत वापस आ गया। इस खुशी के दिन में हम हमें भी माफ कर दोगे? रात गई बात गई, जो हुआ उसे भूल जाओ ना। देखो तुम तो जानते हो हम कितने नादान हैं, हमने हड़बड़ी में आके अमित के लिए गड़बड़ी कर दी। लेकिन हमने तुमसे कहा था कि अमित का अपहरण हुआ है, सो तो हुआ था ना, वो बात तो सच्ची है ना। माफी मांगनी हो तो अम्मा से जाके मांगना, इससे ज्यादा इस बारे में हम कुछ कहना सुनना नहीं चाहते। अब मम्मी कहे माफी मांग रही थी? अरे कुछ नहीं बेटा, हमने कुछ नहीं किया, वो तो परिवारों में सब बातें होती जाती रहती हैं, कोनो बड़ी बात नहीं है। जो आज रूठे हैं ना वो कल मान जाएंगे, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, बस चल चल घर चल आराम से चल साहस। हाय मेरा बच्चा, मेरे बिन हमरा कौनो नहीं। दादी दादी पापा का फोन आ रहा। हाँ मलकायन, खुशखबरी है, हमें छूट गया है। हाँ घर आके बताते हैं बाकी। अमित बच गया। हाँ अमित बच गया। का है, चलो रघुआ को बोलो जल्दी से घर आ जाए, चलो सब। शादी और एक से प्यार। मॉम जी आप अपने आप को स्मार्ट समझती हो ना, अब देखना हम और क्या क्या करते हैं। बहुत लेट हो गया, पर मम्मी मॉम जी आ गई ना हमारा तो ऑर्केस्ट्रा ही बजा देंगी। जल्दी चलते हैं। ये जो कुछ भी हुआ ना वो सही नहीं हुआ। क्या सही नहीं हुआ? Everything is fair in love and wars. हम वैसे भी एक दूसरे से पहले से प्यार करते थे ना, कुछ गलत नहीं। ये देखो चुप चुप। छोटे। मम्मी तो यहाँ चुप, तुम चुप कहाँ चुप? छोटे। वहाँ चुप जाओ। नहीं 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 नहीं। दरवाजे के। छोटे। अम्मा जी हम मलम लगा दे का हाथ ना लगा दिया हमने। अम्मा जी सर पे काहे खड़ी है, जाना चाय शांति से पीने दे। नहीं हम सोच रहे थे कि हमारे घर को ना किसी की बुरी नजर लग गई है, तो घर की शांति के लाने पूजा रखवा दे। किसी की नजर नहीं लगी है पर फिर भी तू पूजा रखवाना चाहती है तो रख दे, हम मना नहीं करेंगे। अब सरक हम सोच रहे थे कि अमित के नाम की पूजा, मतलब अमित और जीजी। खबरदार उसका नाम लिया तो वो यहाँ नहीं आएगी। तो आ गया बेटा, ठीक है तू? जी दादी। रघुआ कहाँ है?
अब वो पापा आ रहे हैं अभी इंस्पेक्टर अंकल के साथ पुलिस स्टेशन गए हैं। ठीक है जा तू ऊपर जा नहा धो के तैयार हो जा, तुम्हारी अम्मा ने पूजा रखवाई। हमारा सर पटा जा रहा है, थोड़ा आराम कर ले। कुसिया जिसके नाम की पूजा रखवानी है ना तू रखवा ले, और जो हमें अपने आंगन में नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। मम्मी क्या बात है, दरवाजा खोलने में इतना टाइम का ही लगा दिए? मम्मी वो मम्मी मेरी तबीयत कुछ खराब है आज, तो इसलिए थोड़ा देर तक सोया मैं, इसलिए आपकी आवाज भी नहीं सुनी मम्मी। अच्छा अम्मा, हाँ तुम नाव दो और नीचे आओ, तुम्हारी तो आज बहुत जरूरी मीटिंग है ना। हाँ हाँ मम्मी। चलो हम कपड़ा निकाल देते हैं। अरे मम्मी आप रहने दो ना, मैं निकाल लूंगा कपड़े, आप परेशान मत हो। अरे हमेशा तो हम ही निकालते हैं ना। आप टेंशन, आप दूसरा काम कर लो, कोई आप परेशान क्यों होती है, मैं निकाल लूंगा ना। कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं लग रहा है व्यू, क्या बात हो सकती है। हम निकालते हैं, तुम भी ना। अरे कैसे रखते हो सब कपड़े? क्यों तुम इश यहाँ क्या कर रही हो? मॉम जी ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है वो पूछना था, इसलिए आपको सर्चेस करके ढूंढ रहे थे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे एक घंटे में 36 पकवान बना दोगी। जो बनाना है बनाओ, हमसे पूछने का क्या जरूरत है। सुनो व्योम के कमरे के आसपास भी मत नजर आना, अगर नजर आई तो हाथ पांव तोड़कर गंगा जी में बहा देंगे। अब जाओ। और तुम जी जल्दी नहा कर नीचे आओ। जी मैं तैयार होता हूँ। आय हाय बेचारा बेटा, आराम से बैठा है कि नहीं? ले ये तेरे पैर के नीचे तकिया रख देते हैं, आराम से बैठ, आराम से बैठ। मेरे भैया को किसी की नजर ना लगे इसलिए मैं मंदिर जाकर पूजा करके आई हूँ, प्रसाद लीजिए। अमित जी उठिए ना, हमने आपकी पसंद का नाश्ता बनाया है, बहुत दिनों से आपने कुछ नहीं खाया ना, कितने कमजोर दिख रहे हैं, खाएंगे ना तो शरीर को थोड़ी ताकत मिलेगी। तू बस खाना ही ठूसती रह इसके मुंह में, देख ना लड़के की तबीयत कितनी खराब है, आ गई है प्लेट में खाने के ढेर बना के इसके सर पे मारने के लिए। अरे अगर कोई ढंग की बहू होती तो नंगे पैर मंदिर दौड़ती भी जाती कि हमारा आदमी बेचारा सुरक्षित बच के आ गया है, उसके लिए प्रसाद देती लोगों को। हाँ वो भी करेंगे मम्मी जी, पर आप कहीं जता रही है कि आप ही सिर्फ अमित जी से प्यार करती हैं, जो कुछ भी किया वो सिर्फ कुछ आपने ही किया, हम तो बस बैठ के हाथ मल रहे थे। हाँ तो और क्या कर रही थी तुम, हमने ही तो किया है सब कुछ। ये पता है अमित ये इतनी बड़ी नौटंकी है, इसने रिया के साथ मिलके 5 लाख रुपए मिलने में देरी लगा दी, इन दोनों की वजह से हमें पैसे मिलने में देरी हुई, वरना हम तुझे पहले बचा लेते। इतनी नौटंकी की इसने अम्मा के घर में कि अम्मा ने हमारे साथ रिश्ते का विसर्जन कर दिया। ये है हमारे घर की भेदी। वाह मम्मी जी, नानी जी ने आपके साथ रिश्ते का विसर्जन किया वो आपको याद है, और जो हमने रिया के साथ रिश्ते का विसर्जन किया वो आपको याद नहीं है।
तुम्हें ये भी नहीं पता था कि हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे। तुम्हें पता क्या रहता है जिंदगी में सिवाय खाने के? तुम बच्चे हो तो यार। भैया सही कह रहे, पहले उनकी पूजा करने दो, नजर न लगे भैया को। आजा आजा, चल चल आरती कर भैया की। अरे हाँ बोलो कुसिया भाभी। जी जी वो कहा है कि हमने पूजा रखी है आज दोनों परिवारों के लाने, और खास तौर पे अमित के लाने हैं, तो आप आ जाना बच्चों समेत। हम आए शांति सदन में। कहा है ना जी जी किले सिक्वे सब भूल जाते हैं, नहीं शुरुआत करते हैं, तो आप आ जाना, 2:30 बजे का मुहूर्त निकला है, बच्चों को भी लेकर आना है। अब तुम इतना कह रही हो तो आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे, अच्छा रखते। अमित अमित चल जल्दी तैयार हो जा, अम्मा ने बुलाया है। पगला गई होगा है? अरे हम सच कह रहे हैं, पूजा रखी है उन्होंने खास तेरे लिए। अरे कुसिया भाभी ने तो खाली फोन किया था, हमें मालूम है अम्मा ने ही बुलाया है, अम्मा ने बुलाया है, चल। अरे बस ना मम्मी, अभी बोल रही थी कि रिश्ते का विसर्जन हो गया है, नानी ने रिश्ता तोड़ दिया है, तावली हो जा रही हूँ जाने के लिए, है बेइज्जती कराना है फिर से। अरे कुछ नहीं होगा वहाँ पे, नानी और मामा जो है घर से निकाल के फेंक देंगे, और मामी और उनके जो बच्चे हैं वो हंसते रहेंगे, और कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे, बता रहे ना आप अच्छे से जानते हैं उन लोगों को। तूने अपनी जिंदगी सही ढंग से जी होती ना तो आज तुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। तू नौकरी करता, पैसे कमाता, उधारी होती तो अपनी कमाई से चुकाता तू। तू बुलेट राजा को देख कहां से कहां पहुंच गया वो, और अपने आप को देख कहां से कहां पहुंच गया, मार खाती घर में पड़ा हुआ है। तो क्या करे, वो राक्षस से भीख मांगेगा जाकर, है जाकर बेइज्जती कराए अपनी। इज्जत की बात वो लोग करते हैं जिनके जेब में पैसे खनखनाते हैं। तेरे पिताजी बिना काम के घर में पड़े हुए हैं, तेरे पास कोई नौकरी नहीं है, ये जबरन बहू सिर्फ खाना जानती है, कमाना नहीं जानती। हम कहां जाएंगे पैसे कमाने, बताओ कैसे चलेगा घर? मम्मा के सामने अगर भीख का कटोरा लेके बैठना पड़ेगा तो बैठना पड़ेगा फिर। तो भीख में ना जूते चप्पल ही मिलेंगे, बता रहे हैं। तो ठीक है जूते चप्पल खाएंगे हम, अगर वही लिखा है हमारी किस्मत में तो, लेकिन अम्मा की लल्लो चप्पो करनी पड़ेगी फिलहाल। देख जब तक तू कमाने लायक नहीं बनता इस घर की पालना, तू जिस दिन हमारे हाथ में अपनी कमाई ला के रखेगा हम उस दिन अम्मा के दरबार में सिर झुकाना बंद कर देंगे, लेकिन अभी हमें जाना पड़ेगा वहां, तो यहां को जाओ, जाना है अम्मा के। मम्मी जी हम भी चले। ये लीजिए फ्रेश फ्रेश जूस। मामा जी जूस लेंगे आप? ये लीजिए जूस। क्या बात है, आज ये चिड़िया बहुत चहचहा रही है। पता नहीं जीजी ऐसा क्या हुआ रात में, काम भी देखो कितना खुश होके कर रही है। क्या बात है भाई, हाँ दिवाली तो खत्म हो गया लेकिन तुम्हारे मन के दिए अभी तक जल रहे हैं, और बहुत जोर से जल रहे हैं। क्या मॉम जी, वैसे तो इंटेलिजेंट सांपों पर हर बार हमें आपको बताना पड़ता है, वो क्या है ना जब से हम इस घर में आए ना बड़े हैप्पी हैप्पी रहने लगे आप लोगों के बीच में। आओ बेटा बैठो। हाँ भीम ये लो ना पराठा अचार। देख रहे हो जी जी अभी अचार खिला रही है, बाद में हमारा अचार बनाएगी, संभाल लो अपने बेटे को। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा बेटा हम पर गया, हम पर नहीं। और थोड़ी सी और ले लो, थोड़ी सी। अरे इतना छोटा टुकड़ा क्यों, अच्छे से लगा के खाइए ना। अरे वो बच्चा नहीं है, जितना भूख होगा उतना खा लेगा,
और ज्यादा पूछ पूछ करने की जरूरत नहीं है। हम उसकी माँ है, उसका ध्यान रख सकते हैं। अरे व्योम और लो ना थोड़ा सा। हो गया ना, चलो। हमको लगता है तुमको तुम्हारे मायके के दर्शन कराने पड़ेंगे। नहीं मॉम जी, हम मायके जाके क्या करेंगे, और वैसे भी हमारे घर का स्टैंडर्ड ना आपके घर के हिसाब से बहुत छोटा है, और हमारे घर वालों ने आपका अपमान भी किया था, तो नहीं हम मायके नहीं जाएंगे। अपने हस्बैंड की मॉम जी के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। वाह, बहुत प्यार उमड़ रहा है। बंद करो इन नौटंकी, हमको सब पता है। अगर यहाँ का हो गया है तो जाओ, रसोई में बहुत काम पड़ा है, जाओ करो। जीजी एक बात कहें? हाँ भाई तुम भी कहो। जितने प्यार से आप उससे बात करती हो ना जीजी, उसे देख के हमें अपनी लुगाई याद आती है। वो भगोड़ी तुमको काहे याद आ रही है? जीजी हमको ये नहीं मालूम कैसे याद आ गई, हमको बहुत याद आती है उसकी। जीजी कुछ करो ना जीजी, उसको लिवा लाओ वापस। हाँ डिमांड किया, हमारी लुगाई को ले आओ। अरे कैसे ले आए, वो तो ठेकेदार के साथ भाग गई थी ना, जो मकान बना रहा था, कैसे लाए उसको? और उसको यहाँ लाने के लिए तो बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत मिन्नतें करनी पड़ेगी उसकी। सबसे पहले तो उसको ई संदेशा भिजवाना होगा कि आजकल तुम बहुत पैसे वाले हो गए, अभी वो सोचेगी। जीजी कुछ भी करो जीजी, बस वापस ले आओ। अब देखो हमसे इस उम्र में दोस्ती शादी तो होगी नहीं, करेगा भी नहीं, उससे काम चला लेंगे। प्लीज प्लीज। अच्छा हम कुछ करते हैं। प्लीज जल्दी जल्दी हाथ चला। मम्मी मम्मी आपको क्या लगता है, दादी बुआ को माफ करके घर पे आने की परमिशन देगी या ये लड़ाई जारी रहेगी? अरे नहीं नहीं सुप सुप बोल भाई, आज तो लगता है कि हमको अम्मा जी जीजी को अपना ही लेगी। मतलब अम्मा जी अगर अपनाती नहीं है तो अम्मा जी को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जीजी ने जो किया है वो गलत ही किया है। लेकिन मम्मी माँ बाप बच्चों को माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, बता तू हमको। मुझे नहीं लगता कि ये फिलोसफी इस केस में चलेगी। नहीं काहे नहीं चलेगी, माँ है जीजी की वो, और नहीं तो का। हमको लगता है कि आज अम्मा जी जीजी को अपना ही लेगी, तुम देखना। इसलिए तो दोनों परिवारों के लाने हमने पूजा रखी है कि दोनों का आमना सामना हो। अम्मा जी कछु बोलती नहीं है, लेकिन अम्मा जी की खामोशी हम समझते हैं। आज सारे किले सिकवे सफाचट हो जाने चाहिए, यही प्रार्थना करते हैं हम भगवान से भाई। मम्मी अपना परिवार जोड़ने बेस्ट, सच है। हम जब बोलते रहते ना तुमको परिवार को साथ लेके चलो, परिवार को साथ लेके चलो, ये होता है परिवार को साथ लेके चलना। अब तो सीखना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, जिसे जरूरत है वो लगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।